अगर आपका अकाई एलईडी टीवी है, चाहे वो स्मार्ट हो चाहे नॉन स्मार्ट हो, तो इस ऐसे में उस एलईडी टीवी को कैसे आप कनेक्ट करेंगे? साथ में अगर आपको टाटा प्ले का हो चाहे एयरटेल डिजिटल टीवी का एचडी सेट टॉप बॉक्स नॉन एचडी सेट टॉप बॉक्स हो, तो इस वीडियो में मैं यही दिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो आपका अकाई एलईडी टीवी के साथ, यही जानेंगे। तो वीडियो का कंप्लीट एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऑलवेज आपको टीवी एंड डीटीएच रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए टीवी का बैक साइड में सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर HDMI कनेक्शन है। अगर HD सेट टॉप बॉक्स आप कनेक्टर है तो यहाँ पे HDMI 1, HDMI 2 पोर्ट है, इनमें से किसी एक में HDMI केबल को कनेक्ट करके आप HD सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, फिलहाल मेरे पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स है, तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन कनेक्शन सब यहाँ से होगा। देखिए यहाँ पर पीला, सफ़ेद और लाल कलर का दिखाई दे रहा है ना, दो पॉइंट है, दो AB पॉइंट है, दोनों में से किसी एक में भी आपको कनेक्ट करने से आपका मतलब कनेक्शन सही हो जाएगा। बट आपको सोर्स सही सिलेक्ट करना है, AB1 या फिर AB2 में कनेक्ट किया उसको आपको सिलेक्ट करना है रिमोट पे। तो चलिए हम यहाँ पे AB में कनेक्ट कर लेते हैं, चलिए हम AB1 पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए मैं पीला का साथ पीला को कनेक्ट किया है, हर एक जेक के अंदर ही देखिए पॉइंट के अंदर कलर दिया हुआ है, और व्हाइट के साथ व्हाइट और या लाल के साथ लाल, तो ये तीनों जेक मेरा लगभग यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। अगला जो साइड है ये मैं सेट टॉप बॉक्स का बैक साइड में कनेक्ट करूँगा, सेट टॉप बॉक्स का बैक साइड में भी आपको ये कनेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स है टाटा प्ले का, तो आप चाहे एयरटेल डिजिटल टीवी हो चाहे किसी की सेट टॉप बॉक्स हो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स का पीछे इस तरह से तीन पॉइंट वाला जेक का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम कलर मैच करके लगा देना है। तो यहाँ से मैं पीला वाला में पीला को सेट कर लेता हूँ यहाँ से, जो कि मेरा वीडियो सप्लाई करेगा यहाँ से टीवी तक, और यहाँ से मैं सफ़ेद में सफ़ेद को डाल देता हूँ, और यहाँ से मैं लाल को लाल पे डाल देता हूँ। तो मेरा बस यहाँ से कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बाकी केबल जैसे जुड़ना है पावर सप्लाई देना है। चलिए अब मैं टीवी को पावर ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डिश टीवी के एडाप्टर से ये टाटा प्ले का सेट टॉप बॉक्स चल रहा है, बस कोई भी एडाप्टर सब कुछ सही होता है, एक ही एडाप्टर रहता है, सप्लाई बराबर ही देता है। तो यहाँ से देखिए मेरा सेट टॉप बॉक्स ऑन हो चुका है, मैं टीवी को अभी टर्न ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। तो टीवी को टर्न ऑन करने के बाद यहाँ से देखिए अकाई लिखा सबसे पहले निकला है टीवी स्क्रीन पर, हालांकि जो लोगो है अकाई का, तो टीवी मेरा ऑन हो रहा है यहाँ से। टीवी ऑन होने के बाद कुछ सेकंड का टाइम लेगा, हालांकि स्मार्ट टीवी हो तो आपको कुछ सेकंड लगता है आपको सिस्टम कम्प्लीटली ऑन होने में। और यहाँ से देखिए मेरा पिक्चर्स चलने लगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते फिर से एक और नया वीडियो में।